is 5, 4, 3, 2, 1. Booster ignition and liftoff of Discovery. Clear the tower. Houston now controlling. Roll program. Roger, roll, Discovery. नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सबका हमारे चैनल डिजिटल लाइफस्टाइल में। इस चैनल में आपको अलग अलग प्रकार के एजुकेशनल कंटेंट मिलेंगे। तो इसी कड़ी में आज हम देखने वाले हैं एनर्जी। अभी एनर्जी जो है विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ये जो है एनर्जी जो है ये कैसे हमारे जिंदगी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। विदाउट एनर्जी अवर लाइफ इज द कंप्लीटली फेल्यूअर। पूरा का पूरा हमारा लाइफ जो है ये फेल्यूअर है विदाउट द एनर्जी। सो यू मस्ट हैव अ नॉलेज ऑफ कंसेप्ट ऑफ द एनर्जी। एनर्जी का कंसेप्ट आपको मालूम चाहिए। लेकिन बिफोर स्टडिंग दिस इट इज बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द वर्क। इसके पहले वाला जो वीडियो है हमारा विच वॉज रिलेटेड विथ वर्क, यू सी दैट द वर्क। क्योंकि बिना वर्क का नॉलेज आपको एनर्जी का नॉलेज जो है ये मिलना कठिन जाता है। सो फॉर दैट यू सी दैट द प्रीवियस वीडियो विच इज रिलेटेड विथ वर्क। वर्क एंड द एनर्जी दे आर द रिलेटेड विथ ईच अदर। उनका रिलेशन क्या है, बहुत ही क्लोज है। जैसा अभी हम देख रहे हैं एनर्जी जो है, एनर्जी इट इज द कैपेसिटी टू परफॉर्म द वर्क। यदि आपने वर्क किया ही नहीं है तो क्या हो जाएगा, नो मीनिंग ऑफ द एनर्जी इज देयर। एनर्जी का कोई वहां सवाल ही नहीं है, एक ही जगह पर बैठे। यू आर नॉट परफॉर्मिंग द एनी टाइप ऑफ द वर्क, इट मीन्स दैट यू आर नॉट वेस्टिंग एनी टाइप ऑफ द एनर्जी। मीन्स कैपेसिटी टू परफॉर्म द वर्क। जो भी कोई वर्क आप काम कर रहे उसकी कैपेसिटी टू परफॉर्म द वर्क इज कॉल्ड एज द एनर्जी। जैसा अभी आज पढ़ाई कर रहे हैं आप, एक जगह से दूसरे जगह पर जा रहे, तो मीन्स यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी। आपकी एनर्जी जो है आप क्या वेस्ट कर रहे, यू आर परफॉर्मिंग द सम टाइप ऑफ द वर्क। वॉट एवर यू आर डूइंग द मेंटल वर्क और द फिजिकल वर्क, उसमें क्या आपको एनर्जी जो है वेस्ट करनी पड़ती है। मीन्स आपकी एनर्जी जो है उसमें खत्म होती है। सपोज वी आर टीचिंग हियर, आपका पीरियड ले रहे, वीडियो ले रहे, वी आर वेस्टिंग अवर एनर्जी। हमारा एनर्जी जो है आपको वेस्ट कर। नाउ द वर्क एंड द एनर्जी दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। दैट्स व्हाई द यूनिट ऑफ द वर्क एंड द यूनिट ऑफ द एनर्जी दैट आर द सेम। दोनों का भी यूनिट जो है ये कैसा है, ये सेम है। बिकॉज दे आर रिलेटेड विथ ईच अदर। बिकॉज विदाउट परफॉर्मिंग द वर्क यू कैन नॉट वेस्ट यूर एनर्जी। आपकी जब तक आप वर्क परफॉर्म नहीं करेंगे तब तक आपकी एनर्जी जो है क्या यूटिलाइज नहीं होंगी, वेस्ट नहीं होंगी। मीन दे आर रिलेटेड विथ ईच अदर, देयर यूनिट्स आर द सेम। नाउ वी आर गोइंग टू सी द यूनिट। उनके यूनिट जो है कौन कौन से, देखिए यूनिट, ऐसा यूनिट इज द जूल। उसका जो यूनिट जो है ये कैसा है, जूल है। इन ऐसा यूनिट इज द जूल। एंड द इन सीजीएस सिस्टम इट इज द अर्क। वी हैव ऑलरेडी सीन व्हाट इज द जूल एंड द व्हाट इज द अर्क। वन जूल वर्क जो है एनर्जी, वन जूल वर्क जो है कब होगा हमने देखे पहले, व्हेन यू कैन सी दैट द वन जूल वर्क इज डन। इन द सेम वे वी कैन ऑल्सो से दैट वेन यू परफॉर्म द वन जूल वर्क इट मीन दैट द यू आर वेस्टिंग यू आर यूटिलाइजिंग द वन जूल एनर्जी। आप क्या कर रहे, वन जूल एनर्जी जो है क्या यूटिलाइज कर रहे। वेन यू कैन से दैट द वन जूल एनर्जी इज परफॉर्मिंग यू आर यूटिलाइजिंग डब्ल्यू इक्वल टू एफ दैट वी नो इट। वेन अ फोर्स ऑफ द वन न्यूटन, when a force of the 1 newton produces a displacement of the 1 meter, 1 newton का force जो है जब आप produce करते हैं कितना 1 meter का displacement, then at that time we can say that you are utilizing the 1 joule energy। आप कितना कर रहे, 1 joule energy जो है utilize कर रहे।
इट मीन दैट यू आर परफॉर्मिंग द वन जूल वर्क. नाउ द नेक्स्ट इज अर्ग. वेन यू कैन से दैट द वन अर्ग वर्क इज परफॉर्म इन द सेम वे वेन वन टाइम फोर्स इज अप्लाइड producing the displacement of the 1 centimeter, then we can say that the 1 joule work is performing. And at the same time, we can say that the 1 erg energy you are utilizing for that the particular purpose. उस purpose के लिए आप 1 erg energy जो है क्या utilize कर रहे. Now you take the various types of that the example. If a pot having the plant is kept in the dark, प्लांट लैंग्विशेज. ये जो झाड़ जो है, पॉट जो है, गमला जो है, हमने जो बाहर में रखते जनरली लाइट में रखते, उसको क्या किया हमने, अंधेरे में रख दिया. वी प्लेस दैट द पॉट इन द डार्क वेयर देर इज अ नो सनलाइट, कोई सनलाइट नहीं. यू कीप इट फॉर द 2 to 3 days, देन एट दैट टाइम यू विल फाइंड दैट द प्लांट लैट लैंग्विशेज. जो प्लांट जो है वो क्या मुरझा जाता है. क्यों? बिकॉज दैट प्लांट रिक्वायर द सर्टन टाइप ऑफ द एनर्जी. क्योंकि प्लांट हमको मालूम है दे मेक द देयर ओन फूड, दैट इज द नथिंग बट द फोटोसिंथेसिस. और फोटोसिंथेसिस के लिए क्या रहना आवश्यक है, द लाइट इज द नेसेसरी, मीन्स दैट रिक्वायर्स द लाइट. उसके लिए क्या चाहिए हमको, लाइट चाहिए. दैट्स वाई वी जनरली प्लेस द एनी पॉट ऑफ द प्लांट नॉट इनसाइड द हाउस, आउटसाइड द हाउस. इनसाइड भी रखेंगे, देर मस्ट बी सम टाइप ऑफ द सफिशियंट लाइट इज देयर. नाउ यू सी द अनदर वॉल्यूम ऑफ द म्यूजिक. सपोज यू आर एंजॉइंग द एनी म्यूजिक, एंजॉय कर रहे आप म्यूजिक, और बड़े बड़े स्पीकर लगाए, एंड ऑन दैट द स्पीकर यू हैव प्लेस द वन ग्लास, कांच का ग्लास वहां पे रख दिया. एंड यू हैव इंक्रीज द वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम जो इंक्रीज किए, देन एट दैट टाइम यू विल फाइंड दैट दैट पॉट इट विल गेट चेंज इट्स पोजिशन. उसकी पॉट जो है ऐसा हिलेगा, मूवमेंट करेगा. क्यों? इट इज बिकॉज ऑफ दैट द सर्टन टाइप ऑफ द एनर्जी दैट इज नथिंग बट द साउंड एनर्जी. साउंड एनर्जी के वजह से देखिए ये जो है पॉट जो है हिलेगा. You can also perform, you can also take the general example. When any type of the heavy vehicle that runs on that the road and your house is just side of that the road, then at that time you will find that the windows, glass of the windows, it gets vibrate. Uska windows jo hai wo kya, glass jo hai kya hota hai, vibrate hota hai. Why? It is only because of that the sound energy. Now you take the another type of the example. Collecting a sunlight on a paper with the help of the convex lens. You have to take the convex lens and you hold that the convex lens in front of that the sunlight. ऐसे आपको रखना है कि sunlight जो उस पर direct आएगा. And you adjust the focus of that the light, sunlight, with the help of the convex lens. And you call that the focus, or you adjust that the focus on that the certain paper. You keep it for the some time. You will find that the paper that will get burn. Paper जो है क्या burn हो जाएगा. It is only because that the heat energy. Heat energy के वजह से paper जो है क्या जल जाएगा. We have seen such a type of the example. You can see the different types of the energy. कौन कौन से प्रकार के energy के examples से types से देखिए अभी. Mechanical energy. Mechanical energy. It is of that the two types. One is the kinetic and the potential that we will learn later. Mechanical energy. Mechanism ke wajah se jo bhi koi energy tayar hoti hai, it is the mechanical energy. Heat energy that we have just seen the example. After that the light energy that we have already seen the example of that the plant. Sound energy ka humne dekha abhi example, volume of the music when you increase the volume. After that the solar energy. It is the biggest source of that the energy on the surface of that the earth. And the chemical energy, battery, cell वगैरह जो it is the example of that the chemical energy, nuclear energy, जो atom bomb वगैरह फटता है, it is nothing or we get also the nuclear energy from that the nuclear power station.
After that, electromagnetic energy. This is also the one type of that the energy. After that, we have seen this type of the energy. That are the very useful in our day-to-day life. Means, you must have the knowledge of all these energies. Students, if you have any type of the question related with this, you can ask me in a comment box. I will try to give the answer to you. And students, don't forget to subscribe our channel, because you will get the each and everything material which is related with the education, which is from your syllabus or out of the syllabus. Thank you very much.